पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली जीत। पांच में से चार राज्यों में बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी बनने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निवास पर बांटी मिठाइयां। पंचकुला में भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल। दिल्ली जयपुर के बीच यात्रा को सुगम बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कल गुरुग्राम में 1407 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। आर सिरसा के गांव बड़ा गुढ़ा में लगाया गया मुख्यमंत्री परिवार उत्थान मेला। लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा, अब समाचार विस्तार से। पांच राज्यों की विधानसभा चुनाव की मतगणना तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी तक के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फिर से सत्ता में आती दिख रही है। वहीं गोवा और मणिपुर में वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। निर्वाचन आयोग ने मतगणना के दौरान और बाद में विजय जुलूसों से संबंधित दिशा निर्देशों में ढील देते हुए उन पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध वापस ले लिया है। ये छूट राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कोविड संबंधी मौजूदा निर्देशों के अनुरूप होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यूपी के लोगों ने अपनी जाति, वर्ग और धर्म के दायरे से निकलकर भाजपा को वोट दिए हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने का काम हुआ, मैं कहूंगा पिछले 5 वर्षों में मोदी जी के आशीर्वाद से योगी जी ने जो कानून व्यवस्था को सुधारने का काम किया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया और जो विकास की एक नई गाथा लिखी, विकास को जो नई रफ्तार दी है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, गरीब कल्याण और विकास, ये मुद्दे जनता में बहुत बढ़ चढ़ कर थे। लोग मानते थे कि हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और मोदी जी की लोकप्रियता जो पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, हर वर्ग के, हर जाति धर्म के लोगों में, गरीब से गरीब व्यक्ति ने दिल खोलकर मोदी जी और योगी जी को अपना आशीर्वाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाजपा द्वारा चार राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने पर चंडीगढ़ स्थित आवास पर मिठाइयां बांटी। मनोहर लाल ने वहां मौजूद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी मुंह मीठा करवाया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की जीत पर आज पंचकुला में भाजपा कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न मनाने के लिए पंचकुला के भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ भाजपा कार्यालय में उमड़ पड़े। इस जश्न में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और अम्बाला से लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया भी जश्न में शामिल हुए। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पार्टी की एक बार फिर से जीत दर्ज हुई है। पूरे देश के चारों कोनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और जैसा कि आपको याद है कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले कहा था कि कुछ ही समय के पश्चात ये देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा और ये इस बात की ओर संकेत है कि जो आने वाले नतीजे आए हैं, कुछ देर के पश्चात कांग्रेस भारत के क्षेत्र से गायब हो जाएगी। लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया ने भाजपा द्वारा चार राज्यों में चुनाव जीतने पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अपने मतों से भाजपा के विकास मॉडल को लोगों ने बढ़ावा दिया है। भारतीय जनता पार्टी को फिर से सफलता मिली है और इन प्रदेशों की जनता ने डबल इंजन की सरकार फिर से बनाई है। ये श्रेय जाता है भारत माता के लाल जननायक नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने दिन रात इतनी मेहनत की, केंद्र के अंदर इस प्रकार की परियोजनाएं जनता की भलाई के लिए चलाई और जिन राज्यों में ये अपने मुख्यमंत्री थे, इन्होंने प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों को इतनी मेहनत के साथ अपने अपने प्रदेशों में चलाया।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार शाम को गुरुग्राम में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर पंचगांव चौक पर आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली जयपुर के बीच यात्रा सुगम बनाने के लिए 1,407 करोड़ रुपए की लागत वाली 19 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी शामिल हुए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस हाईवे पर यात्रियों को आ रही दिक्कतों को हमने दूर किया है। उन्होंने कहा कि 225 किलोमीटर लंबाई के दिल्ली जयपुर मार्ग पर 513 करोड़ रुपए की लागत से 16 स्ट्रक्चर बनेंगे और इस मार्ग की मरम्मत करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस हाईवे के साथ बनी सर्विस रोड की हालत भी सुधारी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में वर्तमान सरकार में मंजूर की गई 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में से 11 राजमार्गों पर काम चल रहा है और 6 पर निर्माण कार्य शुरू होने को है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कई परियोजनाओं का जिक्र किया और नितिन गडकरी से 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को हटाने के नियम में ट्रैक्टर को छूट दिलवाने की मांग की। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए खंड और ग्राम स्तर पर अंत्योदय मेलों का आयोजन किया जा रहा है। सिरसा जिले के गाँव बड़ागुढ़ा में मेला लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ खंड स्तरीय अंत्योदय मेले के दूसरे चरण की भी शुरुआत हुई है। इस मौके पर उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने मेले का अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि जिले के लाभार्थियों के लिए खंड स्तर पर नगर परिषद द्वारा मेले का आयोजन किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि मेले में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विशेषकर पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही 2 पशु रखने की योजना का गरीब परिवार सबसे ज्यादा लाभ उठा रहे हैं। किस लोग यहाँ पे आ चुके हैं और संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, उन सभी को हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इन जो पर्टिकुलर स्कीम्स चल रही है और जिनके लिए वो एलिजिबल हो सकते हैं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ही बता रहे हैं। तो उन चीज़ों का कर रहे हैं, हमने यहाँ पे प्रोविजन किए हैं। अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर स्कैनर सारे लगा रखे हैं, किसी को फोटो स्टेट है तो वो भी कर सकते हैं। और आज में हम उनके जितने भी डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं आज ही ले लेंगे, उनको दोबारा ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पात्र व्यक्तियों ने बताया कि उन्हें अंत्योदय मेलों का काफी लाभ मिल रहा है। यहाँ उन्हें अलग अलग विभाग की योजनाओं के बारे में पता चल रहा है जिसका वे लाभ उठा सकते हैं। मैं सभी बैंकों के कर्मचारी और बैंक के अधिकारी आए हुए हैं और उन बैंकों के माध्यम से जो जरूरतमंद है, जिसको लोन चाहिए, चाहे वो डेयरी फार्मिंग का है, चाहे फिश फार्मिंग का है या किसी और प्रकार से, जो नौजवान बेरोजगार हैं उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए भी ये इस प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। हमारे फ़ोन पर मैसेज आया था और उसका हम लाभ उठाने के लिए आए हैं और हम लोगों ने और किसी को भी बोला है कि अगर वो कोई फॉर्म भरना चाहे तो यहाँ आकर भर सकता है, ताकि गरीब लोगों का भी भला हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश का भी विकास हो, हमारे राज्य का विकास हो। बूढ़े पिंड के जिमें सानू भी ऐ पता लगता भी इतने आ योजना भी आ मेला लग गया गा केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि युवा देश की प्रगति की नींव है और उनमें राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपार क्षमता है। आज संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को समाज और राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। इस उत्सव का उद्देश्य उन युवाओं की आकांक्षाओं को रेखांकित करना है जो आने वाले समय में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में करियर बनाएंगे। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 179,53,00,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 18,00,000 से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए गए हैं। वहीं 24 घंटों में कोविड-19 के 4,184 नए मामले सामने आए हैं और स्वस्थ होने की दर 98.70% हो गई है। भारत में फिलहाल सक्रिय रोगियों की संख्या 44,488 है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4,13,00,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,71,945 लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 905 मामले सक्रिय हैं। युवाओं में किताबें पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम जिला प्रशासन द्वारा गिफ्ट ए बुक
गिफ्ट ऑफ फ्यूचर नाम से बुक डोनेशन अभियान की शुरुआत की गई है। किताबें दान करने वाले लोग जिले के सभी अंत्योदय केंद्रों, सरल केंद्रों और विकास सदन पर जाकर या पोस्ट के जरिए किताब भेज सकते हैं। कैंपेन की शुरुआत की है गिफ्ट अ बुक गिफ्ट अ फ्यूचर, और इस सिलसिले में जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो भी बुक डोनेट करना चाहते हैं, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सरल केंद्राज हैं या अंत्योदय केंद्र हैं, विकास सदन हैं, वहाँ पे जाकर के या पोस्ट के जरिए वहाँ पे अपनी बुक डोनेट कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखें कि जो बुक आप डोनेट करें वो रीडेबल, अच्छी कंडीशन में हो, और पुरानी हो, नई हो, यूज्ड हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरी सबसे यही आग्रह रहेगी कि बड़ी से बड़ी संख्या में अपना ये बुक डोनेशन कैंपेन में भाग लें और बुक्स को गिफ्ट करें। ये सारी किताबें जितनी बुक्स इकट्ठी होंगी, हम इनको गवर्नमेंट स्कूल्स में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए यूज़ करेंगे, उनको ये बुक्स दी जाएंगी। मैं सभी गुरुग्राम के सिटीजन से आग्रह करता हूँ कि इस बुक डोनेशन कैंपेन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, कॉन्ट्रीब्यूट करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में फतेहाबाद जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी गई। इस निर्णय का जिले के निवासियों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज खुलना यहां के लोगों के लिए एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता था। तो बहुत पहले होनी चाहिए थी, अगर पहले होती तो आज वो लड़के जो बाहर गए हैं इतने, उनको इतनी मुश्किल आई है, वो नहीं होती। और ये हमारे जिले के लिए तो बहुत बढ़िया बात है जी, जो यहाँ के जो मरीज है बाहर जाते हैं इलाज करने के लिए, उनको भी बड़ा फायदा होगा। का बजट बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। जो मान ले बजट में मान ले जो मेडिकल कॉलेज है उसका बहुत ही बढ़िया है। जिस तरह की पहले छात्र को बाहर स्टेटों में जाना पड़ता था, अपने घर में ही हो गया, ठीक है। जिस तरह की इलाज की है, इलाज की भी कोई दिक्कत नहीं, घर में सुविधा है। मेडिकल कॉलेज खोलने की जो घोषणा की गई है बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि यहाँ के जो फतेहाबाद ज़िले के जो पहले स्टूडेंट थे जिनको मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बाहर जिलों में जाना पड़ता था। हरियाणा पुलिस में कार्यरत महिला एएसआई रूपक मानवीयता के आधार पर शिक्षा से वंचित बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल पेश कर रही है। मूल रूप से चरखी दादरी जिले की निवासी रूपक पुलिस में कार्य करने के साथ साथ झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने का कार्य कर रही है। पुलिस विभाग में वे फिलहाल पेशी पर कैदियों को लेकर जाने की ड्यूटी करती हैं। असहाय बच्चों के जीवन को संवारने के लिए उन्होंने ऐसी झुग्गियों को चुना है जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय में नहीं जाते। रूपक को ऐसे बच्चों के जीवन में बदलाव लाने की प्रेरणा ऑपरेशन मुस्कान में ड्यूटी लगने के बाद मिली, जिसमें उन्होंने खोए हुए बच्चों को उनके माता पिता तक पहुँचाया। प्रेरणा ज़्यादा मिली कि इन बच्चों को जागरूक किया जाए, और इन बच्चों के क्या इनके माँ बाप को ज़्यादा जागरूक करना पड़ता है। ये लोग इनको भेज देते हैं भीख मांगने के लिए, फिर बच्चे इनको कच्ची कलियाँ हैं। अब इन बच्चों को ये है कि ये इनके माँ बाप ने भी सहयोग किया है, और अब ये इनकी इच्छा है कि कुछ बने। ये नहीं चाहते कि हम भीख मांगें इनमें से। आप इनसे बात करोगे तो ये बताएंगे डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम फौजी बनना चाहते हैं। तो इनकी भी इच्छाएँ हैं बहुत कुछ करें समाज में, पर समाज में प्रताड़ित हैं। जैसे इनको स्कूल भेजा जाता है तो वहाँ ना टीचर इनको वापस भेज देती है, क्योंकि इनके कपड़े साफ़ नहीं होते, इनको नहाने देने की इनकी पास व्यवस्था नहीं है। और मेरे को भी 6-7 साल हो गए इस काम में। बीएससी में पढ़ने वाली रूपक की सहयोगी कीर्ति ने कहा कि वे रूपक के साथ इस अभियान से जुड़कर काफ़ी खुशी महसूस कर रही हैं। हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके ऊपर उठने की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें सबका सपोर्ट भी चाहिए, और हमें सबका सपोर्ट जिनका हम कर सकते हैं उनका करना भी चाहिए। सपोर्ट दूसरों से लेकर भी जहाँ ज़रूरत है, और दूसरों को देखकर भी जहाँ ज़रूरत है, हम एक साथ ऊपर उठ सकते हैं। उन्होंने हमें बताया कि भाई तुम, मैं ये काम करती हूँ, ऐसे ऐसे मैं समाज में सेवा करना चाहती हूँ, जो ये बच्चे पढ़ नहीं सकते इन्हें पढ़ाना चाहती हूँ, तो अगर आप इनका, हम और तो कुछ हेल्प कर नहीं सकते, हमारे पास भाई फाइनेंशियल सोर्स नहीं है इतना, हम तो खुद पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम बस आके पढ़ाओ इनको, अपना टाइम दे सकते हो तो टाइम दो, अपना इनको आके पढ़ाओ। तो हम यहाँ अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली जीत। पांच में से 4 राज्यों में बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी बनने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निवास पर बांटी मिठाइयां। पंचकुला में भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल।
दिल्ली जयपुर के बीच यात्रा को सुगम बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल गुरुग्राम में 1407 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। और सिरसा के गांव बड़ा गुढ़ा में लगाया गया मुख्यमंत्री परिवार उत्थान मेला, लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। समाचारों में आज बस इतना ही, नमस्कार।